सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 या 10% बोनस मार्क हम किस तरह से हमारे एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में प्लस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, आप 5 या 10% मार्क्स आपको किस तरह से आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कैंप्स करने पड़ेंगे। वो कौन से कैंप है उन कैंप के नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तब मुझे पता चलता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ क्या वीडियो आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। इसलिए आपके तरफ से भी मुझे रिस्पांस देते जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन है बेटा आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। आज बहुत से कैडेट्स को जो है ये पता नहीं है ये बात, तो इसलिए मैं पूरे क्लियर बता दूंगा ये कौन से कैम्प से, जो कि बहुत से कैडेट को पता ही नहीं है। तो देखिएगा ये एक नेशनल कैडेट कोर डायरेक्टिव फॉर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीनियर एंड जूनियर डिवीजन विंग्स ऑल विंग्स। देखिएगा ये ऑल विंग्स मतलब इसमें नेवी विंग्स, आर्मी विंग्स और एयरफोर्स विंग्स, ये तीनों विंग्स के लिए सेम है। मतलब कि एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ है बेटा, जो भी आपके एनसीसी के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी बातें होंगी ये वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपका वैल्यूएशन किस तरह से होता है, पेपर किस तरह से चेक कर किया जाता है, आपका सर्टिफिकेट कब बनता है, आपका सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, आपको कितने परसेंट मार्क आपकी जो प्रेजेंट है वो कितने परसेंट चाहिए, आपको पेपर के लिए बैठने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, सभी चीज़ें इस पीडीएफ में मिलेगी। ठीक है, मैं पूरा पीडीएफ डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम किस तरह से 5 या 10% मार्क्स हम ले सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले पूरी चीज़ें क्लियर कर देंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आप भी आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में 5 और 10% बोनस मार्क बेटा आप ला सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ कैंप करने पड़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आप में से कई बच्चों ने वो कैंप भी कर चुके हैं। ठीक है, देखिए हम आ चुके हैं अभी। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बोनस मार्क ठीक है फॉर ABC, तो ये इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट जो कि मैं ज़्यादा चीज़ यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है तो फिर बच्चे क्या होते हैं देखने को नहीं देखते बड़ा वीडियो। लेकिन बड़े वीडियो में क्या होता है बेटा, डिटेल में समझाया जाता है, तो बड़े वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे बोनस मार्क फॉर सी सर्टिफिकेट, इसको ध्यान दीजिएगा, बोनस मार्क फॉर सी सर्टिफिकेट पढ़ेंगे अभी क्या लिखा है। द कैडेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, द कैडेट पार्टिसिपेटिंग इन अंडर मेंशनाइड एक्टिविटीज विल बी अवार्डेड एडिशनल मार्क्स एज बोनस टुवर्ड सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन इन एडिशन टू पैरा 18 अबव। ठीक है, कुछ कैंप्स है बेटा, ये कैंप्स आपको करने पर आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में आपको बोनस मार्क ऐड किए जाते हैं। तो देखेंगे पूरे क्लियर समझेंगे आज। देखिए सबसे पहला तो बेटा ये कैंप देखिएगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको COC, NIC, SNIC, TSC, NSC, VSC, मतलब कि COC का मतलब होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइज कैंप, सेंट्रल ऑर्गेनाइज कैंप मतलब कि केंद्र के द्वारा जो भी कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद में NIC है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, NIC, उसके बाद SNIC, उसके बाद TSC है, थल सैनिक कैंप, NSC, नौसैनिक कैंप और VSC, वायु सैनिक कैंप। ठीक है, अगर मान लीजिएगा आप इन कैंप में से कोई भी एक कैंप को करते हो तो आपको 5% बोनस मार्क दिया जाएगा। 5% बोनस मार्क, देखिए आपका NCC का सी सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होता है पूरा टोटल प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला करके बेटा वो 500 मार्क का होता है। तो 500 में से अगर 5% अगर हम मान लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके 25 मार्क। ठीक है, 25 मार्क आपको मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप इन कैंप में से अगर किसी कैंप को करते हो तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा के। देखिएगा
500 में 500 मार्क का आपका पेपर होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के, तो आपको उसके 5% मतलब कि 25 मार्क आपके पास एक्स्ट्रा होंगे बेटा, आप अगर इन कैंप को करते हो तो। मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों ने इन कैंप को किया हुआ है। तो आइए देखते हैं अब सेकंड कैंप कौन सा है। तो देखिए सेकंड कैंप है बेटा RDC रिपब्लिक डे कैंप, ठीक है। इसके लिए तो सब सभी को मौका नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे भी जो है बेटा ये कैंप करते हैं। तो इसके लिए देखिएगा, जब आप RDC करते हो बेटा तो आपको 10% मार्क्स दिए जाएंगे। 10% अगर 500 का हम 10% अगर निकाले बेटा तो कितना होता है, टोटल 50 मार्क। देखिए 50 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसलिए जो होता है NCC के जो बच्चे RDC कैंप को जाते हैं तो उन्हें 50 मार्क एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए हम बात करेंगे अब YEP नेवल क्रूसेस, ठीक है। YEP नेवल क्रूसेस, YEP का मतलब होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, और नेवल क्रूसेस ये जो होता है कैंप वो नेवी का कैंप होता है। तो इसमें भी आपको 5% बोनस मार्क मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे शूटिंग, उसके बाद बात करेंगे बेटा शूटिंग स्पोर्ट्स और सेलिंग रेगट्टा, ठीक है, उसके भी आपको मिलेंगे 5% बोनस मार्क। देखिए ये जो शूटिंग की कंपटीशन होती है हर बटालियन लेवल से स्टार्ट होती है, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं NCC में, और सेलिंग रेगट्टा ये भी सभी इवेंट होते हैं बेटा इसके, तो इसके भी आपको 5% बोनस मार्क दिए जाते हैं। और माउंटेनियरिंग कोर्स, उसके बाद देखिएगा ये जो माउंटेनियरिंग कोर्स है इसमें बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स ऐसे होते हैं, तो इसमें भी आपको 5% बोनस मार्क दिया जाएगा, क्लियर है। इसमें भी आपको 5% बोनस मार्क दिया जाएगा। अगर उसके बाद बात करेंगे हम, ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा डिटेल में। उसके बाद अगर बात करेंगे माउंटेनियरिंग कोर्स की, तो हमने अभी बात की है, ट्रैकिंग की बात करेंगे। देखिए ट्रैकिंग एक्सपेंडिशन और सेलिंग एक्सपेंडिशन ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंप है, हर साल इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों को ट्रैकिंग करने का मौका मिलता है, तो इसमें भी आपको अगर किसी ने ट्रैकिंग कैंप को किया है तो आपको 5% मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बेटा अटैचमेंट कैंप की। देखिए इसमें अटैचमेंट कैंप में जो है कोई आर्मी के साथ अटैच हो सकता है, कोई नेवी के साथ अटैच हो सकता है, कोई एयरफोर्स स्टेशन के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। और इसमें साथ ही में देखिएगा इसमें लिखा है BLC और ALC, BLC और ALC क्या होता है, बेसिक लीडरशिप कैंप और एडवांस लीडरशिप कैंप। आप इन दोनों में से अगर कोई भी कैंप करते हो तो इसके आपको 5% मिलेंगे, मतलब कि 25 मार्क्स आपको मिलेंगे, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा हम बात करें अभी माउंटेनियरिंग एक्सपेंडिशन की, तो इसमें भी आपको 5% मार्क दिए जाएंगे। और माउंट एवरेस्ट सबसे लास्ट कैंप जो कि है माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन, ठीक है, माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन, तो इसमें आपको मिलेंगे 10% मार्क। सबसे ज़्यादा मार्क्स है 10% मार्क मिलेंगे अगर आप इसके लिए आपको माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना है, माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने का मौका भी आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इसके 10% मार्क मिलेंगे माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन के। और साथ में देखिएगा कि ये अगर आप RDC करते हो तो इसके भी 10% मार्क मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि 10% का मतलब हो जाएगा ये 50 मार्क आपको इसमें आपके NCC के एग्ज़ाम में फ्री में ऐड हो जाएंगे। मान लीजिएगा अगर आपको 500 में से अगर आपको मिलता है 250, 500 में से बेटा आपको अगर 250 मार्क्स मिलते, अगर इन कैंप में से अगर आप कोई कैंप करते हो, मान लीजिएगा आपने RDC किया है, तो आपके इसमें 50 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे और आपको जो मार्क्स मिलेंगे टोटल 300 मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है। तो आपका जो ग्रेड बनेगा वो बनेगा बी ग्रेड, NCC C की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब उसके बाद एक नोट यहाँ पे लिखी हुई है, क्या नोट है पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वेटेड ऑफ अबव मेंशनाइज बोनस मार्क टुवर्ड्स सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन विल नॉट एक्सीड 10%, मतलब कि 10% से जो ज़्यादा मार्क्स है बेटा वो 10% से ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। 10% से ज़्यादा मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 500 में से होंगे, लाइक 50, ठीक है, मैंने बताया था कि 500 का 10% कितना होता है, तो 50 मार्क होते, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो मार्क्स आपको मिलेंगे, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिएगा आपको अगर 300 मार्क्स मिलते हैं NCC के सी सर्टिफिकेट में, 300 मार्क्स मिलते हैं, मान लीजिएगा अगर आप
ट्रैकिंग का कैंप करते हो तो उसके आपको 25 मार्क मिलेंगे, मतलब कि आपको मिलेंगे टोटल 325 मार्क। ठीक है, ये जो 25 मार्क है बेटा ये आपको फ्री में आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में ऐड हो जाएंगे, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कैंप है। और मैं बताना चाहूँगा कि इन कैंप के लिए जाने के लिए सभी को मौका मिल जाता है, ठीक है, इतना भी कोई डिफ़िकल्ट कैंप नहीं होती है, सभी को तो मौका मिलता है ये कैंप करने के लिए, इसीलिए इस कैंप को याद रखिएगा। अगर आप एनसीसी के बीस सेकेंड ईयर में हो तो बेटा अभी से ट्राई करिएगा कि इस इन कैंप में से किसी एक कैंप के लिए जाने के लिए। ठीक है, क्लियर है बेटा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।